माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज लेआउट टैब में आपको दो कमांड देखने को मिल जाएगा। एक का नाम है प्रिंट एरिया और दूसरा का नाम है प्रिंट टाइटल। ये दोनों कमांड बड़ा ही सिंपल और सरल है, लेकिन काम के लिहाजे से दोनों कमांड का यूज जो है बड़ा ही मस्त और जबरदस्त है। तो दोनों का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कब और कैसे किया जाता है, आइए दोनों कमांड का फंडा हम लोग समझते हैं आज के वीडियो में बड़ा सिंपल और आसान भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रिंट एरिया का मोस्टली यूज हम लोग करते हैं जब किसी वर्कशीट को प्रिंट आउट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए आपका वर्कशीट पे ये आपका डेटा एक बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप जनरली अगर इसको प्रिंट निकालते हैं तो पूरा डेटा आपका प्रिंट होकर के इस तरह से निकलेगा। लेकिन अगर आपसे अगर कहा गया कि इतना पूरा डेटा हमको प्रिंट नहीं निकालना है, और पूरा डेटा को प्रिंट नहीं निकालना है और इसमें से डेटा को डिलीट भी नहीं करना है, तो जितना डेटा आपको प्रिंट करने के लिए कहा जा रहा है उतना डेटा को ही आप प्रिंट कर सके, इसके लिए आपको प्रिंट एरिया का यूज करना होगा। सबसे पहले जहां से जहां तक आपको प्रिंट निकालना है वहां से वहां तक उस डेटा को आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट टैब पे क्लिक करें और उसके बाद प्रिंट एरिया कमांड पे क्लिक करें। तो इस प्रकार का दो ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसमें आपको सेट प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो आपका जो डेटा है अब इतना दूर से इतना दूर तक ही प्रिंट निकलेगा, यानी कि जहां से जहां तक आप सिलेक्ट किए थे। देखिए फाइल टैब पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिए एक बार प्रिंट पे, तो देखिए हमने जितना सिलेक्ट किया था उतना ही हमारा डेटा जो है प्रिंट होकर के निकल रहा। तो बिना डेटा को मिटाए बिना डेटा को हटाए हम वर्कबुक से यानी कि वर्कशीट से जितना चाहे डेटा उतना को ही हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट एरिया का फंडा। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रिंट टाइटल का फंडा। तो प्रिंट टाइटल को समझने के लिए हम आते हैं दूसरे शीट पे। दूसरे शीट पे देखिए एक डेटा हम बनाए हुए हैं, ये शीट हमारा बहुत ही लंबा है, इसमें बहुत सारा डेटा हम बनाए हुए हैं। इसको अगर हम प्रिंट करके निकालते हैं तो लगभग हमारा कितना पेज पे निकलता है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर फाइल टैब पे क्लिक करके प्रिंट कमांड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखाएगा यहाँ पे। तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर, देखिए कुल आपको जो है चार पेज पे प्रिंट आउट निकल रहा है। तो देखिए इसमें गौर कीजिएगा इस डेटा में, इस डेटा में आपका जो यहाँ पे हेडिंग है ये वाला, ये फर्स्ट पेज पे आपका प्रिंट होकर के निकल रहा है। अब यहाँ से हम पेज को चेंज करते हैं, पेज नंबर टू पे आते हैं, तो देखिए आपका हेडिंग जो है वो प्रिंट होकर के नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से अगर हम पेज थ्री पे आते हैं तो उसमें भी आपका हेडिंग जो है प्रिंट आउट होकर के नहीं निकल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग है ये सभी पेज पे हमारा प्रिंट होकर के निकले, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको छोटा सा एक फंडा अपनाना है, प्रिंट टाइटल कमांड। आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए और प्रिंट टाइटल कमांड पे क्लिक कीजिए, तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप और दूसरा ऑप्शन आपका है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो रो टू रिपीट एट टॉप पे आप कर्सर रखिए, क्योंकि आपका हेडिंग जो है रो में है। अगर आपका हेडिंग कॉलम में होता तो आप कर्सर इस पे रखते हैं, तो चूंकि हमारा हेडिंग रो में है तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इस वाले रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, हमारा काम हो गया। देखिए आप इसको चेक कीजिए, फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रिंट कमांड पे क्लिक कीजिए। देखिए फर्स्ट पेज पे हमारा हेडिंग प्रिंट होकर के निकल रहा है। अब यहाँ से हम पेज को चेंज करते हैं, सेकेंड पेज पे आए तो देखिए इस पे भी हमारा हेडिंग प्रिंट होकर के निकल रहा है। फिर उसी प्रकार से अगर हम थर्ड पेज पे जाते हैं तो इस पे भी हमारा हेडिंग जो है प्रिंट होकर के निकल रहा है। तो जस्ट एक सिंगल क्लिक से आपका जो काम है ये आसान हो गया। इन दोनों कमांड का यूज काम करने वालों को बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है। तो काम के लिहाजे से दोनों कमांड है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बड़ा ही यूजफुल और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कमांड है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल कमांड को सीखा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।